दोस्तों इस वीडियो को दबाकर शेयर कर रहा क्योंकि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस जो कि भारत में थर्ड स्टेज में पहुंचने वाला है, क्योंकि भारत में इतने बेड्स नहीं है, इतने हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर भारतीय तक यह जानकारी नहीं पहुंची तो इसका अटैक इतना बड़ा होगा कि बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो सकती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका एक कारण बताता हूँ क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि आज पूरी दुनिया में 3.25 लाख लोग इससे ग्रसित हैं, जिसमें से 1 लाख लोगों का, लगभग 1 लाख लोगों का इलाज हो भी चुका है, यानी कि 3 में से 1 का इलाज हो चुका है। जो मरने वालों की संख्या है मात्र 11,000 है, यानी कि मात्र 5% लोग इससे मरते हैं, तो 95% लोग इससे बच रहे हैं। तो 5% लोग कौन मर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनकी किन की डेथ हो रही है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम थी। इस वीडियो के 3 हिस्से होंगे, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए, कैसा आपका दिनचर्या होना चाहिए और कैसा आपकी नींद होनी चाहिए, नींद का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। सबसे ज्यादा मिलावट हिंदुस्तानियों के खाने में हो चुकी है। पहले हमारा खाना बहुत शुद्ध होता था, हमारे बुजुर्ग बहुत कम बीमार होते थे। आप ऐसा क्या खाएं जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, तो उसमें सबसे अच्छी चीज में से है एक हल्दी। आप कहेंगे हल्दी तो हम रोज खाते हैं, अपने किचन में खाते हैं, लेकिन मैंने बात की ना मिलावट की। भारत में जो हल्दी आती है उसमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है, और हल्दी एक सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से बढ़ाता है। ये किसानी हल्दी है, मैं किसान हूँ, मुझे पता है असली हल्दी और नकली हल्दी में क्या फ़र्क होता है। अगर आपके पास असली हल्दी है वो आपके 1 चम्मच या 3 चम्मच का मुकाबला करती है जो कि आजकल मार्केट में मिलती है, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पाउडर होता है पीले रंग का, फर्क कर ही नहीं पाओगे आप। तो किसान से जाके आप हल्दी लें और हल्दी का सेवन करें भरपूर। उसके बाद हमारे भारतीय क्या खाते हैं, आटा, चावल। चावल में से उसकी परत निकाल दी जाती है, तेल निकाल दिया जाता है, कंपनियों द्वारा भरपूर बेचा जाता है। और आटा, आटे में क्या खाते हैं, गेहूं का आटा, सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी। क्या हमारे बुजुर्ग गेहूं का ही आटा खाते थे, चावल ही खाते थे ऐसे? आजकल वो चावल नहीं रहे हैं, आजकल वो आटा नहीं रहा, इतना केमिकल पेस्टिसाइड यूज होता है आप यकीन नहीं करोगे। जो मेरे पास आटा है जो मैं अपने परिवार में यूज करता हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये मल्टीग्रेन है, इसमें जो मेरे बुजुर्ग बाजरा प्रयोग करते थे, जो चौलाई प्रयोग करते थे, जो वो ज्वार प्रयोग करते थे, जो वो जौ प्रयोग करते थे, उन सब चीज़ों का मैं आटा प्रयोग करता हूँ, मेरा परिवार करता है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ और मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। तो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आपको ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। और दोस्तों इसके बाद बात आती है सबसे बड़ी बीमारी की, आपकी रसोई में जो सबसे बड़ा जहर है वो है चीनी। जो चीनी है वो 60% रोगों का कारण है, डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है चीनी। चीनी की जगह प्रयोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, आप देसी खंडेसरी का प्रयोग कर सकते हैं, बुरे का प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छा है देसी गुड़, किसान का गुड़, उसका प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना अच्छा बूस्ट करते हैं आप यकीन नहीं करोगे। आप बच्चों को कॉम्प्लान खिलाते हो, उसके बजाय अगर आप बच्चों को गुड़ खिलाना स्टार्ट कर दें उससे ज़्यादा उनको ताकत मिलेगी। आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, माननीय राजीव दीक्षित जी को सुन सकते हैं, उनकी रिसर्च पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे हमारा तो अब वीक है, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, डायबिटीज है, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं मुझे, अब मैं इन्हें खाऊंगा इनका असर क्या एकदम हो जाएगा? नहीं दोस्तों, जब जागे तभी सवेरा। तो दोस्तों जो हमारे शहरवासी हैं उनके लिए भोजन की मैं 2 चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। एक होता है मोरिंगा, एक होता है व्हीट ग्रास। 300 बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है मोरिंगा। इसका आप अचार बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, इसको सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं, इसको सीधा खा सकते हैं, भरपूर चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। व्हीट ग्रास का भी सेम है, अगर आप किसान हित के ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप किसान से खरीद सकते हैं, मैं नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको शुद्ध चीज़ें केवल किसान से ही मिल सकती हैं और आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारे किसान भी खुदकुशियों से बचेंगे, उनको भी 2 पैसे की अच्छी इनकम होगी। तो दोस्तों अब बात हुई खाने की, अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। 2 चीज़ें, एक तो आपकी नींद है और एक आपकी एक्सरसाइज है। नींद का मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये US मेडिकल काउंसिल ने कहा है। अच्छी नींद का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान के चलो आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, लेकिन अच्छी नींद नहीं आप लेते, तो तब भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। और तीसरा पार्ट आता है एक्सरसाइज का। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। अब प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप घर से बाहर ना निकलें,
घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों बस आपसे अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, लाइक चाहे ना करें, चैनल से चाहे ना जुड़े, लेकिन इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है।